महोदय जी, आज से मैं ऐसी ईंट भट्टे पे काम नहीं करूंगा। इतनी ज्यादा मेहनत करना मेरे बस की बात तो है नहीं। आप हमारे मजदूरों के ठेकेदार हो, कम से कम आप तो इतनी मेहनत मत करवाया करो हमसे, नहीं तो आगे आपके साथ हम काम करने के लिए कहीं पे नहीं जाएंगे। या फिर हमारी मजदूरी बढ़वाओ, दिहाड़ी बढ़वाओ। दिहाड़ी पूरे दिन की बोई 30 रुपए मिल रही है। लालू जी, एक बात बताओ, दिन भर के 30 रुपए क्या कम है? और क्या दिन भर के तुम ईंट भट्टा मालिक की सारी दौलत ले लोगे? मैं भी तो तुम्हारे ही साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ये बताओ, अपना लोग गरीब मजदूर हो, अगर अपना इतनी मेहनत नहीं करोगे तो फिर कमाओगे खाओगे क्या? मोदी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अपना लोग गरीब मजदूर है, मेहनत नहीं करेंगे तो कमाएंगे खाएंगे क्या। लेकिन मैं आपकी दूसरी बात से सहमत नहीं हूँ, कम से कम पैसे तो ज्यादा दिलवाओ। लालू जी की बात से मैं सहमत हूँ। अरे कम से कम दिहाड़ी 100 रुपए दिन तो होना चाहिए। पूरा दिन सिर पर रख के ईंटें धोते रहो और शाम को वही 30 रुपए मिलते हैं। मुझे इन अमित शाह जी के ईंट भट्टे पे काम करना ही नहीं है, मैं राजनाथ सिंह जी के ईंट भट्टे पे काम करूंगा। वहां पर केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उन्हें पूरे दिन की दिहाड़ी 50 रुपए मिल रही है। योगी जी, अभी तो तुम कह रहे थे दिहाड़ी 100 रुपए होना चाहिए, अब तुम राजनाथ सिंह जी के भट्टे पर 50 रुपए में ही काम करने के लिए जाने के लिए तैयार हो? मोदी जी, एक बात सुनो, 30 रुपए से तो 50 रुपए ज्यादा ही होते, इसीलिए योगी जी यहाँ से काम छोड़कर जाना चाहते। और 30 रुपए में तो हम भी काम नहीं करेंगे, पूरा दिन हम तो इतनी मेहनत करेंगे नहीं। राहुल, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम कैसे चुप हो? मायावती जी, राहुल कुछ नहीं बोलेगा, राहुल तो मेरे साथ यहाँ पे काम करना चाहता है 30 रुपए में। अरे 50 रुपए दिन की तो मजदूरी में अमित शाह जी से कहकर भी बढ़वा सकता हूँ। लेकिन मोदी जी, बढ़वाओगे क्या? अगले साल बढ़वाओगे मजदूरी हमारी? जाओ आज ही अमित शाह जी से बात करो, 50 रुपए दिन की मजदूरी करवाओ, नहीं तो हम ये काम छोड़कर चले जाएंगे। 30 रुपए दिन की दिहाड़ी के हिसाब से हम यहाँ पर मेहनत नहीं करेंगे। अरे हम गरीब मजदूर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 10-20 रुपए की मजदूरी करते फिरे। कम से कम 50 रुपए दिन की तो मजदूरी होना चाहिए। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सोनिया जी, आम को सही से तोलो, आप सही से आम को तोल ही नहीं रही हो। मैं आपके पास कच्चे आम लेने के लिए आया था, क्योंकि मुझे कच्चा आम का अचार बनवाना है, लेकिन आप इतना ज्यादा महंगा 100 रुपए किलो कच्चा आम बेच रही हो। चलो वो भी कोई बात नहीं, मैं ले रहा हूँ, लेकिन कम से कम आम को सही से तो तोलो। आप आम को सही तरीके से नहीं तोल रही हो, कम तोल रही हो। देखो मोदी जी, आपको कम लग रहा है तोलना मेरा, मैं आम को बिल्कुल सही तरीके से तोल रही हूँ। देखो ये देखो, अगर आपको लेना है मुझसे आम तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो। कच्चा आम लेने वालों की कमी नहीं है मेरे पास। मोदी जी, अगर तुम नहीं लेना चाहते हो कच्चा आम तो मत लो, तुमने तो टोकरी भर के कच्चे आम ले ही लिए। अब तो सोनिया जी के पास थोड़े ही बहुत कच्चे आम बचे हुए हैं, वो सारे के सारे कच्चे आम सोनिया जी मुझे तोल दो। योगी जी, ऐसे कैसे तोल दो? सोनिया जी, सारे के सारे कच्चे आम मुझे को तोल दो। मोदी जी, अभी तो आप मेरी मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी जी सही तरीके से कच्चे आम को नहीं तोल लेंगे, अब कह रहे हो कि सारे के सारे तोल दो। ऐसा करो मम्मी जी, योगी जी इतनी देर से बैठे हुए हैं, इन्हें 10 किलो कच्चे आम दे दो। मोदी जी, आप 10 किलो कच्चे आम कम ले लो। देखो राहुल, तुम तो ज्यादा बोलो मत। बहन सोनिया जी, जब मैं तुम्हारे पास आया था तो उसी टाइम मैंने कह दिया था कि जितने भी कच्चे आम है सारे के सारे मैं ही खरीदूंगा आपसे। बात को मेरे पीछे ये योगी जी आके बैठ गए, ये थोड़े कच्चे आम मांगने लगे। लेकिन जब मैंने सारे के सारे कच्चे आम लेने के लिए कह दिया है, तो आप दूसरे को पहले कच्चे आम कैसे दे सकती हो? सारे के सारे कच्चे आम मुझे दो। वैसे सोनिया जी, आप ये कच्चे आम क्या रेट बेच रही हो? मोदी जी को कच्चे आम क्या रेट दिए हैं आपने? योगी जी, मैंने मोदी जी को ये कच्चे आम 100 रुपए किलो दिए। तो सोनिया जी, मैं इन आमों का रेट 120 रुपए किलो दूंगा, सारे के सारे आम मुझे दे दो। नहीं योगी जी, अब दाम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मैंने 100 रुपए किलो ये आम मोदी जी को दे दिए। बात बात होती है, अब मैं बात से नहीं पलट सकती। योगी जी, अगर दाम बढ़ा के ही तुम्हें कच्चे आम लेना है तो 120 रुपए किलो मुझसे ले लो। मैंने तो 100 रुपए किलो ये कच्चे आम सोनिया जी से खरीदे, 120 रुपए को आपको बेच दूंगा, 20 रुपए किलो का फायदा हो जाएगा। मोदी जी, आपसे तो मैं 50 रुपए किलो में भी नहीं लूंगा, वो तो बात की बात थी सोनिया जी से, इसीलिए मैं कह रहा था अगर सोनिया जी मुझे दे देती तो आपको लेने नहीं देता ये आम मैं। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।